दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे एशिया कप वनडे मैच के बारे में। सेकंड मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच। वैसे तो दोनों ही टीमों के बीच ये फर्स्ट मैच है, तो किसी भी अपोनेंट को किसी प्लेयर के बारे में नहीं पता कौन कहाँ बैटिंग करेगा, कौन कहाँ बॉलिंग करेगा, क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, क्या प्लेयर स्टेट्स होने वाले। आपको हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है खासकर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो वो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 ऐप आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारी टीम के बारे में तो उससे पहले गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 5,000 रुपीज़ का फ्री गिव अवे रखा है। अगर आप भी वो गिव अवे विन करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, सेकंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो भी मेंबर इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं में से ये जो है 5,000 का गिव अवे मिलने वाला है। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप भी ये गिव अवे विन कर सको। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस मैच में लिटन दास नहीं खेलेंगे, अनअवेलेबल है, तो इनके प्लेस पर कौन ओपन करेगा, क्योंकि लिटन दास खेलते तो ओपन करते, सीधी सी बात है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन ओपन करेंगे, आगे मैं बैटिंग में उनके बारे में बता दूंगा। पहले तो विकेट कीपर से बात करें, मुशफिकर रहीम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर आप रहीम के बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें दोस्तों, किस नंबर पे आपको रहीम खेलते हुए नजर आएंगे, तो मुशफिकर रहीम नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। वैसे अगर रीसेंट इनकी 3 इनिंग्स में आपको बताऊँ, 14 रन इन्होंने करे, 18 रन इन्होंने करे दोस्तों और 13 रन करे। ये रीसेंट के 3 मैचेस रहे जिनमें फॉर्म इनका अच्छा नहीं रहा, और रीसेंट के ही 3 मैचेस नहीं यार, उससे पहले भी इन्होंने जो इतना अच्छा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। वही अगर मैं बात करूं कुशाल मेंडिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 3 पे खेलेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और रीसेंट, पहले ये भी फॉर्म में नहीं चल रहे थे बट रीसेंट में इनका बल्ला बोला है लंका प्रीमियर लीग में। अगर यहाँ से 5 मैचेस देखे, लास्ट रन में 22 रन इन्होंने करे, उससे पहले 49 रन इन्होंने करे, फिर 7 रन करे, 18 रन इन्होंने करे और 0 रन करे, इनका थोड़ा फॉर्म अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छे प्लेयर भी है दोस्तों। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूं कुशाल परेरा, वैसे मुझे देखो लगता है कि इनको मौका नहीं मिलेगा, अगर ये खेल भी लेते हैं तो नंबर 4 आपको खेलते हुए नजर आएंगे या नंबर 5 पे, बट मुझे लगता है असलंका को इनकी टीम मौका दे देगी। अगर ये खेल भी लेते हैं तो लास्ट 5 मैचेस में 130+ रन इन्होंने करे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। बाकी यहाँ पे हक आपको खेलेंगे नहीं, फिलहाल जो बेस्ट ऑप्शन है वो कुशाल मेंडिस का है विकेट कीपर में, तो हम इनको अपनी टीम में लेके चल रहे हैं। बैटिंग के बारे में बात करें, निशानका का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इस मैच में आपको निशानका जो है ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट अगर 5 मैचेस के बारे में हम बात करें दोस्तों, 140+ इन्होंने रन करे, अच्छे ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। करुणारत्ने भाई देखो, वनडे में और टेस्ट में इस बंदे का बल्ला बहुत बोलता है, इसको ज़रूर आप रखिएगा। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में, तकरीबन दोस्तों 250 से ज़्यादा इन्होंने स्कोर करा है, फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। वही हिल्डोए इस मैच में नंबर 5 आपको खेलते हुए नजर आएंगे, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, आप इनको रख सकते हो। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करें, लंका प्रीमियर लीग में ये खेल रहे थे, अगर आपने देखा होगा 100+ रन इन्होंने करे हैं दोस्तों।
हुसैन शांतो के बारे में बात करें दोस्तों, इस मैच में जो है आपको नंबर 3 खेलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा रिसेंट का फॉर्म इनका खराब सा हो गया है, लेकिन बीच में अगर आप देखोगे डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए। लास्ट 5 मैचेस अगर आप देखोगे ना यार, 40+ रन भी नहीं बना पाए, बट प्लेयर अच्छा है दोस्तों, इस लेवल पे परफॉर्म करके दे सकता है। इनके अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करें, सदीरा का ऑप्शन है, बट मुझे लगता नहीं है खेलेंगे। परफॉर्मेंस ज़रूर आपको बता देता हूँ, रीसेंट 5 मैचेस के बारे में बात करें, 100+ रन करे, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रन बनाए थे, इसलिए इनको इंटरनेशनल टीम में मौका मिला है दोस्तों। असलंग का नंबर 5 खेलेंगे, बट वही है, इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा, तो इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। हुसैन आपको यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर जो रहने वाला है दोस्तों इनका, आफीफ हुसैन नंबर 7 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे। ग्रैंडिंग में ट्राई करो यार, स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। नईम शेख के बारे में बात करें दोस्तों, मोहम्मद नईम आप बोल सकते हो, ओपन करते हुए आपको नजर आने वाले। रिसेंट अगर 5 मैचेस देखोगे आप, तो 100+ रन करे, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट यार अगर आप देखोगे ना यहाँ पे बॉलिंग अच्छी श्रीलंका की स्टार्टिंग की, तो विकेट इनका निकाल सकते हैं। इनके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस मैच में लिटन दास नहीं खेलेंगे, तो उनके प्लेस पे शमीम हुसैन आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, शमीम हुसैन पटवारी। और अगर लास्ट 5 मैचेस इनके आप देखोगे, 140+ इन्होंने रन करे हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से बैटिंग में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, निशान का, करुणा रत्ने और हुसैन शांतो, 3 मेरे यहाँ से बैट्समैन रहने वाले। ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, प्लस पूरे 10 ओवर आपको बॉलिंग करवा के देने वाले, तो एक आपके लिए मस्त ऑप्शन हो जाते हैं। अभी तक अगर लास्ट 5 मैचेस के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, 70+ रन करे बैटिंग से और बॉलिंग से, 5 विकेट निकाले कंटिन्यू, हर मैचेस में एक एक विकेट निकालते हुए आए रीसेंट के 5 मैचेस में। इंपॉर्टेंट है, जितना रीसेंट का अच्छा नहीं गया है परफॉर्मेंस, यहाँ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैचेस है भाई, कंट्री के लिए खेल रहे हैं। मेहंदी हसन मिराज के बारे में बात करें, स्पिन अच्छे बॉलर है, स्पिन को जो है अच्छी तरीके से ये जो है करवाते, वेरिएशन है इनके पास दोस्तों, और बैटिंग भी कर लेते हैं। लास्ट अगर 5 मैचेस के बारे में बात करूं, तो उनमें से सिर्फ 3 ही मैचेस में बॉलिंग करवाई हो, 4 विकेट निकाले। इनको आप तब रखिए जब बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करिए, बॉलिंग करे तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर जो है ना स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं। धनंजय डी सिल्वा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, नंबर 4 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी लंका प्रीमियर लीग में बॉलिंग भी करवा रहे थे, वहाँ पे लास्ट 5 मैचेस में बॉलिंग से 6 विकेट निकाले, और बॉलिंग तो यहाँ पे भी करवाएंगे, प्लस बैटिंग से अगर हम बात करें दोस्तों, 70+ रन करे, बट इससे अच्छा करके दे सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप रख सकते हैं। दर्शन शना का एज ए फिनिशर के रूप में आपको नंबर 6 नज़र आने वाले, कुछ ओवर बॉलिंग करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, 3-4 ओवर करवाते हैं। लास्ट अगर यहाँ पे 4 मैचेस के हम बारे में बात करें, 50+ इन्होंने रन कराए, उन 4 मैचेस में बॉलिंग इन्होंने करवाई थी, बट एक विकेट मिला। इनको आप तब ट्राई करिए जब यहाँ से श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है, बॉलिंग करे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। इनके अलावा वेलांगी को नज़र आ सकते हैं, वेलांगी खेलते हुए आपको, क्योंकि इनका जो रीसेंट का परफॉर्मेंस रहा था दोस्तों, वो अच्छा रहा था। अगर आपने देखा होगा लंका प्रीमियर लीग में, तो विकेट वगैरह निकाले, प्लस बैटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट 5 मैचेस में वैसे 5 विकेट निकाले, पहले इनकी टीम अगर बैटिंग कर रही है और ये खेल रहे, ग्रैंड लीग के लिए मस्ट ऑप्शन है, तब इनको रखिएगा। फिलहाल तो मेरे 2 ऑलराउंडर यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनको मैं लेके चलूँगा दोस्तों। इनके अलावा मुस्तफिजुर रहमान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जो कि आपको ओपन और डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, हालांकि रीसेंट में इतने विकेट नहीं निकाले, बट अच्छे प्लेयर है। लास्ट 5 मैचेस में 9 विकेट इन्होंने निकाले, इनको आप लेके चल सकते हो। ठीक है ना, वनिंदु हसरंगा नहीं है, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी जो है ज़्यादा है दोस्तों। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें, 5 विकेट निकाले। तस्कीन अहमद, इनका रीसेंट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप इनको लेके चल सकते हो, और वनडे में इनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं, 7 विकेट इन्होंने निकाले। कौशन रजीता के बारे में बात करें, ओपन डेट में बॉलिंग करवाएंगे, बट यार इनका थोड़ा सा जो है ना परफॉर्मेंस डाउन सा रहता है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करें, 5 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा जो आपको यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे, पाथी राणा, इनको आप रख सकते हो, मिडिल ओवर्स और डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स से देखा होगा आपने, वहाँ पे इन्होंने विकेट निकाले थे दोस्तों, अच्छे प्लेयर है, बॉलर अच्छे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, हालांकि विकेट इन्होंने जो है 5 विकेट निकाले। इनके अलावा जो आपको खेलते हुए नजर आने वाले, फर्नांडो पहले बॉलिंग करे इनकी टीम तो रखिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। ओपन में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते कौशन रजीता के साथ। लास्ट अगर 5 मैचेस के बारे में बात करें,
इनके लंका प्रीमियर लीग में इन्होंने खेला था दोस्तों, और उन 5 मैचेस में 7 विकेट इन्होंने निकाले, बट पहले बॉलिंग करे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। फिलहाल मैं रहमान को रखूँगा, ठीकशाना, तस्कीन अहमद एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, पाथी राणा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले, और फिलहाल जिनको मैं रखने वाला हूँ कौशन रजीता। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, देखो यार वनिंदु असंगा होते तो डेफिनेटली हम उनको करते, बट वो नहीं है तो मैं यहाँ से कैप्टन करूँगा शाकिब को, नंबर 4 बैटिंग प्लस 10 ओवर बॉलिंग करके देंगे। वाइस कैप्टन मैं करूँगा धनंजय डी सिल्वा को, क्योंकि हसरंगा नहीं है तो डेफिनेटली ये बॉलिंग करवाएंगे, 7-8 ओवर प्लस बैटिंग करेंगे। फिलहाल ये हमारी टीम है, आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप MyFab11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो MyFab11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और MyFab11 को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम से जुड़िएगा और मैच टाइम एक्टिव जरूर रहिएगा।